नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे सीमेंट सेक्टर के 5 बेहतरीन शेयर जो आपको आगे चल के बोनस दे सकते हैं, साथ ही साथ जिसमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ हुआ है पीछे भी और आगे भी इसमें ग्रोथ देखने मिलेगा। वो कैसे, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो में कमेंट करते हैं ये तो अब बहुत सारा ग्रोथ दिखा चुका है तो अब ये आगे ग्रोथ नहीं दे सकता। हम आपको इसमें ऐसे स्टॉक्स भी बताएंगे जो कि एक माइक्रो कैप है और उसमें ग्रोथ का परसेंटेज देखिएगा तो आप भी चौंक जाइएगा। तो ऐसे ही स्टॉक्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया है और आगे भी आपको एक बेहतरीन रिटर्न आपको दे सकता है, साथ ही साथ बोनस शेयर भी आपको दे सकता है, क्योंकि ये इन सब कंपनियों में कई कंपनियों के रिकॉर्ड इतने अच्छे हैं जो कि काफी रेगुलर इंटरवल पर बोनस शेयर दिया है। सीमेंट सेक्टर के 5 बेहतरीन स्टॉक्स जो इसमें हम बताने जा रहे हैं, तो उससे पहले आप कमेंट करके बताइए कि कौन से सीमेंट सेक्टर के 5 स्टॉक है जो आपको सबसे बेहतरीन लगते हैं। तो कमेंट में आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू अवश्य डालिएगा कि सीमेंट सेक्टर के सबसे फेवरेट स्टॉक्स आपके कौन है। दोस्तों, हमारे लिस्ट में पहले नंबर पे है रामको सीमेंट। दोस्तों, रामको सीमेंट काफी बेहतरीन स्टॉक में से एक है जो कि आपने देखा, ये जो है काफी बेहतरीन रिटर्न दिया है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे। यहां पर आप देख लीजिए इसका रिटर्न का परसेंटेज, यहाँ पर आपको दिखाते हैं, देख सकते हैं 3000% का रिटर्न दिया है। तो चार्ट पे आपने तो कम ही देखा क्योंकि ये बोनस शेयर काफ़ी ज़्यादा बोनस शेयर दिया है जो कि आप मनी कंट्रोल के वेबसाइट पर देख सकते हैं। चलिए तो हम आपको मनी कंट्रोल के वेबसाइट पर दिखाते हैं ये कितना ज़्यादा बोनस शेयर दिया है अपने इन्वेस्टर को। इस पैंडमिक से पहले ये 4000% का रिटर्न दिया था, अब इसमें जो करेक्शन आया है तो अब ये 3000% पे आ गया है। मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में थोड़े से प्राइस अप और जाने से, डाउन जाने से बहुत बड़ा रिटर्न पर, जो रिटर्न इन्वेस्टमेंट है आपका उस पर जो रिटर्न मिलता है उस पर इफेक्ट पड़ता है। मतलब आपका थोड़ा सा ऊपर चला जाए प्राइस तो आपका रिटर्न का परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, थोड़ा सा प्राइस में करेक्शन आ जाए आपका रिटर्न का परसेंटेज काफ़ी कम हो जाता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट काफ़ी बेहतरीन होता है शेयर में, जिसमें आप अपना वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आ चुके हैं हम, देख सकते हैं मनी कंट्रोल के वेबसाइट पर, यहाँ पर आप वैल्यूएशन पर जा करके इसका वैल्यूएशन देख सकते हैं। मार्केट कैप 15,000 करोड़ का है, तो ये एक मिड कैप कंपनी हो गया। आप डिविडेंड यील्ड भी देख सकते हैं, आप अर्निंग पर शेयर 25 रुपीज़ है, देख सकते हैं बुक वैल्यू 3 का है। उसके बाद आप इसके बोनस को देख सकते हैं कि बोनस कितना दिया है ये। यहाँ पर हम बोनस पर क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं 2008 में 1:1 का बोनस, फिर स्टॉक स्प्लिट जो है ये भी आपके लिए बोनस का काम करता है। तो देख सकते हैं बोनस 100 से 10 क्या 10 गुना आपका शेयर हुआ, फिर 10 से 1, फिर 10 गुना, तो 10 गुना 10 100 गुना स्प्लिट करने से आपका शेयर हो गया, और 1:1 के बोनस से आपका कितना शेयर हो गया 200%। मतलब आपके पास एक शेयर था तो 200 हो गया, अगर 1000 था तो 200,000 शेयर हो गया। तो मात्र आपके 1000 शेयर 200,000 शेयर हो गए, इतना बोनस ज़्यादा दिया है ये इस स्टॉक ने। तो समझ सकते हैं आप कितना बेहतरीन ये स्टॉक से बोनस देने से आपको चार्ट पर जो परसेंटेज ऑफ रिटर्न दिखता है वो थोड़ा कम दिखता है, तो ये सब बात याद रखिएगा। उसके बाद इसके बैलेंस शीट को देखते हैं, तो सीमेंट की जो भी बेहतरीन कंपनियां हैं उसमें सब में आपको डेप्ट दिखेगा। तो इस स्टॉक में देख लेते हैं कितना डेप्ट है। तो रिजर्व है कंपनी के पास 4,895 करोड़, वहीं कंपनी के पास जो लोन है मतलब डेप्ट है 2,632 करोड़, तो डेप्ट हो गया 2,632 करोड़, तो डेप्ट भी कंपनी के पास, रिजर्व भी कंपनी के पास काफ़ी अच्छा है। उसके बाद कैश और बैंक बैलेंस देख सकते हैं, कैश और बैंक बैलेंस कंपनी के पास 91 करोड़ का है। तो सारी चीज़ आपने देख लिया, फिर बुक वैल्यू आप देख सकते हैं कंपनी का, जो बुक वैल्यू है 208 करोड़ का बुक वैल्यू है कंपनी के पास। अगला है हमारा श्री सीमेंट। श्री सीमेंट ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है। मैक्सिमम ईयर में इसका चार्ट देखिएगा तो ये देखिए कितना बेहतरीन चार्ट है मैक्सिमम ईयर में। इसका रिटर्न परसेंटेज देख लीजिए तो काफ़ी आपको बेहतरीन दिखेगा, 73,000% का रिटर्न। दोस्तों समझ सकते हैं, अगर आप इसमें 20,000 मात्र 20,000 रुपया लगाए होते तो आपका जो रिटर्न होता वो 2 करोड़ होता, मात्र आप 20,000 रुपया लगाए रहते, साथ ही साथ आपको डिविडेंड प्राप्त होता अलग। तो ये स्टॉक भी काफ़ी बेहतरीन है जो कि सीमेंट सेक्टर में काफ़ी बेहतरीन रिटर्न देने वालों में से एक है। सीमेंट सेक्टर पर लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए मैं आपके लिए 5 बेहतरीन स्टॉक्स लाए हैं और आपको रिटर्न परसेंटेज भी उसका दिखा रहे हैं। अब चलिए हम इसके दिखाते हैं बोनस कब दिया है, शेयर के कितना
मतलब स्टॉक स्प्लिट कितना हुआ है, इन सारी चीजों को। तो हम मनी कंट्रोल के वेबसाइट पर आ गए हैं, तो यहाँ पर जाते हैं कॉर्पोरेट एक्शन पर। यहाँ पर आप डिविडेंड देख सकते हैं, डिविडेंड काफी बेहतरीन देख सकते हैं डिविडेंड। स्टॉक स्प्लिट में जाते हैं तो स्प्लिट नहीं हुआ है। बोनस में जाते हैं तो कंपनी बोनस भी कभी नहीं दी है। डिविडेंड देख सकते हैं, अगर फेस वैल्यू 10 का है तो ये आप देख लीजिए 1100% का डिविडेंड, 1100% का डिविडेंड निकाल लीजिए फेस वैल्यू 10 पे, तो आपको हो गया 110 रुपया का डिविडेंड। तो डिविडेंड काफ़ी शानदार है इस कंपनी का। वैल्यूएशन पर क्लिक करके आप इसके वैल्यूएशन देख सकते हैं, तो वैल्यूएशन 80,000 करोड़ का मार्केट कैप है, लार्ज कैप कंपनी है। पी रेशियो 51 का है, इंडस्ट्री से 2 गुना है, और अर्निंग पर शेयर 435 रुपीज़ का, बुक वैल्यू 6 का है। तो सारी चीज़ बेहतरीन है। आप फाइनेंस पर जाकर के इसके सेल्स रेवेन्यू ग्रोथ को देखते हैं, प्रॉफिट मेकिंग करनी देखते हैं, प्रॉफिट में लगातार ग्रोथ हुआ है कंपनी का, सेल्स में भी ग्रोथ है, तो मतलब ग्रोइंग कंपनी है। तो मतलब यह कंपनी अभी भी यहाँ पर देख सकते हैं सेल्स में कुछ खास ग्रोथ नहीं है, सेल्स कांस्टेंट है, लेकिन प्रॉफिट लगातार इंक्रीज हुआ है, मतलब मार्जिन जो है कंपनी का वो इंक्रीज हुआ है। तो मार्जिन काफ़ी इंक्रीज हुआ है, लेकिन सेल्स इंक्रीज होने से पता चलता है कंपनी ग्रोइंग स्टेज में है, लेकिन यहाँ सेल्स में कोई इंक्रीज नहीं है। उसके बाद आप इसके डेप्ट को देख सकते हैं, कंपनी का ऊपर डेप्ट कितना है, रिजर्व है कंपनी के पास 12,000, डेप्ट है कंपनी के पास 2,347, कंपनी के ऊपर डेप्ट भी है। और उसके बाद करेंट और बैंक बैलेंस 108 करोड़ केस और बैंक बैलेंस है। तो सारी चीज़ आपने देख लिया। तो कंपनी का जो अभी करेंट मार्केट प्राइस है वो है 22,000, मतलब काफ़ी महंगा स्टॉक्स है। यहाँ पर आप देख सकते हैं BSE पर 22,400 और यहाँ पर जो NSE है 22,295 रुपीज़, तो काफ़ी महंगा स्टॉक्स है ये। उसके बाद अगला हमारा स्टॉक्स है, हमारा अल्ट्राटेक सीमेंट। तो देख सकते हैं इसका जो अभी करेंट मार्केट प्राइस है 3,800 रुपीज़, और मैक्सिमम का इसका चार्ट देखेगा तो देखते हैं कितना सॉलिड चार्ट है। चार्ट पर ये कंपनी काफ़ी बेहतरीन दिखती है, और अभी तक मैं जो रिटर्न दिया है 1,302% का रिटर्न दिया है, मतलब 1,300 का रिटर्न है इसका। यहाँ पर जो चार्ट है हमारा 2004 से अभी तक में। उसके बाद हम इसके मतलब कॉर्पोरेट एक्शन को देख लेते हैं, कब कब कंपनी बोनस दिया है, कब कब स्टॉक स्प्लिट किया है, तो इन सारी चीज़ों को देख लेंगे। तो यहाँ पर डिविडेंड जाकर के डिविडेंड देख सकते हैं, कंपनी का जो डिविडेंड है लगातार कांस्टेंट बना हुआ है, देखते हैं हर साल डिविडेंड दिया है। और बोनस पे क्लिक करते हैं, कोई बोनस नहीं दिया कंपनी, स्टॉक स्प्लिट कोई स्टॉक स्प्लिट नहीं है रिकॉर्ड में, मतलब कंपनी जो खास रिटर्न नहीं दिया है इन्वेस्टर को, बहुत कम रिटर्न मिला है इन्वेस्टर को इस कंपनी में। उसके बाद हम वैल्यूएशन पर क्लिक करते हैं, तो वैल्यूएशन देखते हैं कंपनी का 1,09,000 करोड़ का वैल्यूएशन है, तो मतलब सीमेंट सेक्टर में सबसे बड़ी कंपनी है मार्केट कैपिटलाइजेशन में। PE 20 का है, जो कि इंडस्ट्री से काफ़ी कम है। उसके बाद प्राइस टू बुक वैल्यू का जो रेशियो है 2.87 का है, और डिलीवरी 33% का है, तो हर चीज़ अच्छा है। उसके बाद कंपनी का हम डेप्ट देख लेते हैं, रिजर्व कितना है, ये सारी चीज़ें देख लेते हैं। तो रिजर्व कंपनी के पास 38,000 करोड़ का है, और कंपनी के पास जो डेप्ट है वो 18,000 करोड़ का है। तो कंपनी के पास जो रिजर्व है 38,000 करोड़ का, और जो डेप्ट है वो 18,000 करोड़ का। उसके बाद नीचे चलते हैं तो कंपनी का बुक वैल्यू देख लेते हैं, तो कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो देखते हैं 1,326 का, और बुक वैल्यू काफ़ी बिल्डअप हुआ है। केस और बैंक बैलेंस देखेगा तो मात्र 310 करोड़ का है, तो ज़्यादा नहीं है। उसके बाद अगला जो हमारा चौथा स्टॉक है वो है ACC सीमेंट लिमिटेड। ACC सीमेंट ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक में से एक है, या आप ACC सीमेंट के जगह इंडिया सीमेंट भी ले सकते हैं, तो दोनों स्टॉक्स काफ़ी बेहतरीन। चार्ट पर ये भी स्टॉक देखते हैं, काफ़ी बेहतरीन चार्ट है इसका, तो ये भी कुछ खास रिटर्न नहीं दिया है, 1400% का रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर को अभी तक। क्या ये शेयर बोनस और स्टॉक स्प्लिट किया है? अगर बोनस आपको लगातार देता है तो काफ़ी अच्छा रिटर्न हो जाएगा, नहीं तो ये एवरेज रिटर्न है, मतलब लॉन्ग टर्म में आपने एक एवरेज रिटर्न प्राप्त किया। तो चलते हैं हम इसके कॉर्पोरेट एक्शन में, कॉर्पोरेट एक्शन पे जाते हैं तो देखते हैं कि इसका जो डिविडेंड है वो तो लगातार कांस्टेंट बना हुआ है, देखते हैं डिविडेंड काफ़ी अच्छा दिया है। अब बोनस की बात करते हैं तो बोनस भी काफ़ी दिया है, देखते हैं बोनस भी काफ़ी 96, 92, 86। उसके बाद स्टॉक स्प्लिट में जाते हैं तो स्टॉक स्प्लिट का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, तो हम वैल्यूएशन में जाते हैं, तो वैल्यूएशन में स्टॉक स्प्लिट अभी तक नहीं हुआ है, फेस वैल्यू 10 ही है। उसके बाद मार्केट कैपिटलाइजेशन देख सकते हैं 24,000 का है, मतलब ये कंपनी भी एक लार्ज कैप कंपनी है, मतलब मिड कैप से लार्ज कैप कंपनी बन चुकी है। बुक वैल्यू देखिएगा 613 का है, डिविडेंड 140% का है, और यहाँ प्राइस टू बुक वैल्यू 2 का है, तो ये भी स्टॉक्स काफ़ी बेहतरीन स्टॉक में से एक है।
उसके बाद हम अगला स्टॉक चलते हैं जो कि काफ़ी बेहतरीन स्टॉक में से एक है। उससे पहले हम इसका डेप्ट देख लेते हैं, कंपनी के ऊपर डेप्ट क्या है और रिजर्व कितना है। 11,000 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व है और सबसे अच्छी बात है कंपनी डेप्ट फ्री है। देखते हैं कंपनी के ऊपर कोई डेप्ट नहीं है, तो ऐसे सीमेंट काफ़ी बेहतरीन स्टॉक में से एक है। अगर डेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कंपनी के ऊपर डेप्ट नहीं है। वैसी कंपनियां जो कि बहुत बड़ी कंपनियां है और थोड़ा सा डेप्ट रहता है तो वो भी निगलिजिबल है। तो कई सारी कंपनी आपने देखा कि वो बहुत बड़ी कंपनियां हैं तो उसके ऊपर छोटा सा डेप्ट है तो वो भी एक तरह समझिए निगलिजिबल डेप्ट है। बुक वैल्यू भी काफ़ी अच्छा बिल्डअप हुआ है। उसके बाद अगला जो हमारा पाँचवा स्टॉक्स है, पाँचवा स्टॉक वो है HIL लिमिटेड। ये एक माइक्रो कैप कंपनी है जिसके बारे में हमने वीडियो की शुरुआत में बात किया था और ये भी काफ़ी बेहतरीन कंपनी है और ये सी के बिरला ग्रुप की कंपनी है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद रिटर्न देखिएगा तो सीमेंट सेक्टर में जो आपने कई सारे स्टॉक्स देखे जैसे श्री सीमेंट काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया है, रामको सीमेंट काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया है, तो उसमें से एक है। अगर आप इसमें देख सकते हैं कि अगर इसमें इन्वेस्ट किए रहते हैं तो ये कितना रिटर्न दिया है इन्वेस्टर को, 20,000% का रिटर्न। उसके बाद इसमें काफ़ी गिरावट आई है और अभी भी ये 10,000% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर को दे रहा है, तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक में से एक है। ये भी स्टॉक्स काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर को, तो इसमें अभी अगर आप चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। काफ़ी बेहतरीन स्टॉक में से एक है जो कि इन्वेस्टर को काफ़ी लॉन्ग टर्म में बेहतरीन से बेहतरीन रिटर्न दिया है, 30,000% तक का। अभी भी बात करें 13,000% का रिटर्न दे रहा है, लेकिन 30,000% तक का रिटर्न चल गया था जब ये अपना मैक्सिमम 2,500 रुपीज़ पर जा चुका था। लेकिन इसमें आपको थोड़ा संभल के इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि माइक्रो कैप कंपनी है, अगर तेज़ी देखने मिलेगा तो काफ़ी हाई, अगर इसमें गिरावट आया वो भी काफ़ी तेज़ी से आपको देखने मिलेगा, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स जो है इसमें कम है तो लिक्विडिटी कम है, जब तेज़ी देखने मिलेगा तो काफ़ी भयंकर, गिरावट देखने मिलेगा तो काफ़ी भयंकर। चलिए हम दिखाते हैं आपको इसके वैल्यूएशन को, तो हम मनी कंट्रोल के वेबसाइट पर वैल्यूएशन पर जाते हैं। देखिए 877 करोड़ का मार्केट कैप है, मतलब एक माइक्रो कैप कंपनी है। पी देखिएगा तो 11 का मात्र है, तो पी तो काफ़ी सस्ता है, आपको इंडस्ट्री के पी से काफ़ी कम है। उसके बाद बुक वैल्यू देखिएगा तो बुक वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, 942, और डिविडेंड भी काफ़ी अच्छा है, 20 रुपये का पर साल डिविडेंड है। उसके बाद अर्निंग पर से देखिएगा 102 रुपीज़ का अर्निंग पर शेयर है, इसलिए कंपनी काफ़ी महंगी मिल रही है क्योंकि 102 रुपीज़ तो इसका अर्निंग पर शेयर है। उसके बाद बुक प्राइस टू बुक वैल्यू देखिएगा मात्र 1.24 है, क्योंकि प्राइस जो है काफ़ी कम है बुक वैल्यू के रिस्पेक्ट में। तो एक माइक्रो कैप कंपनी है और इसका शेयर का प्राइस देख लीजिए कितना ज़्यादा है, 1173 रुपीज़। तो ये 5 बेहतरीन स्टॉक थे सीमेंट सेक्टर के, और इसका अगर हम आपको दिखाएं बैलेंस शीट कंपनी के ऊपर कितना डेप्ट है और कितना कंपनी के पास रिजर्व है, तो कंपनी के पास रिजर्व है 697 करोड़, कंपनी के पास डेप्ट है 361 करोड़, और कंपनी का बुक वैल्यू देखिएगा तो बुक वैल्यू काफ़ी बिल्डअप हुआ है, देख सकते हैं 938 कंपनी का बुक वैल्यू है। तो ये थे 5 बेहतरीन स्टॉक सीमेंट सेक्टर से, आपको कौन सा स्टॉक्स अच्छा लगा इसमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।